सलमान की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर जमकर बवाल हो रहा है। जगह जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर मचे हंगामे के बीच बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख ने भी रिएक्ट किया है और खुलकर मन की भड़ास निकाली है। पठान विवाद पर बात करते हुए आशा पारेख ने कहा, यहाँ बवाल बिकनी पर नहीं बल्कि उसके रंग पर था। लोग ऑरेंज बिकनी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब हमारा दिमाग बंद होता जा रहा है। हम बहुत ही छोटी सोच के होते जा रहे हैं, जो कि गलत है। बॉलीवुड हमेशा से ही लोगों के लिए आसान टारगेट रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री मरती जा रही है। अब किसी एक्ट्रेस ने नारंगी रंग पहन लिया या फिर नाम कुछ ऐसा रखा गया तो उसे बैन कर रही है। ये अच्छा नहीं लगता है। फिल्में चल ही नहीं रही हैं। स्थिति पहले से ही खराब है और ऊपर से अब बॉयकॉट और बैन आ गया, जिससे सिर्फ नुकसान हो रहा है। लोग वैसे ही थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसे ही फिल्में पिटती रही तो दूसरी कैसे बनेगी? ऐसे में तो इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। वहीं बॉलीवुड की हालत पर बात करते हुए आशा पारेख ने कहा, सिनेमा में अब प्यार और मेलोडी दोनों ही गायब हो गए हैं। कहानी मरती जा रही है, फिल्म की आत्मा है ही नहीं। अगर कंटेंट अच्छा ना हो तो वो नहीं चलती। मेरी फिल्म चिराग, जिसमें मैंने अंधी का किरदार निभाया था, वो मूवी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन दर्शकों को ये पसंद नहीं आई। लोगों का कहना था कि मुझे उसमें अंधा क्यों बना दिया गया। उस समय भी दर्शकों के मन को समझ पाना बेहद मुश्किल था। जो एंटरटेनमेंट फिल्में होती हैं, उसमें बेचारी एक्ट्रेसेस को कुछ करने के लिए ही नहीं मिलता। हाँ, कुछ विमेन ओरिएंटेड फिल्में हैं जो कि काबिले तारीफ हैं, लेकिन आज जो बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, उसमें एक्ट्रेसेस का रोल बहुत छोटा हो गया है। उन्हें कम स्क्रीन स्पेस मिल रहा है। ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है, इसीलिए मैं इसमें बदलाव देखना चाहता हूँ। बता दें, आशा पारेख के लाखों दीवाने हैं, उनकी खूबसूरती पर लोग फिदा थे। इसी साल उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। वहीं अब उन्होंने पठान के विरोध पर नाराजगी जाहिर करके सबको चौंका दिया है। बात करें फिल्म पठान की, तो सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान, दीपिका और जॉन की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में किंग खान एक रॉ एजेंट के किरदार में है। फिल्म में जॉन विलन की भूमिका में है। सिर्फ शाहरुख और जॉन का ही नहीं, बल्कि टीजर में दीपिका का भी दमदार एक्शन फैंस को देखने को मिला। यशराज फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी फिल्म पठान में सलमान भी कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले सलमान शाहरुख की फिल्म जीरो में गाना कर चुके हैं। अब पठान के जरिए सलमान और शाहरुख भी फिर से एक साथ नजर आएंगे। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की पठान की डूबती नैया को पार लगा पाती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।